उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस के अवसर पर राज्य स्तरीय शुभारंभ कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की निदेशक स्वाति एस भदौरिया द्वारा गांधी इंटरमीडिएट कॉलेज के छात्रों को कृमि मुक्ति की दवाई खिलाकर राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस की शुरुआत की गई। इस दौरान बच्चों को स्वास्थ्य और स्वच्छता के महत्व पर जागरूक भी किया गया। वहीं शुभारंभ कार्यक्रम के दौरान प्रधानाचार्य MC गौतम, डॉक्टर संजय जैन मुख्य चिकित्सा अधिकारी देहरादून, डॉक्टर कुलदीप मार्तोलिया सहायक निदेशक चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, डॉक्टर अर्चना ओझा सहायक निदेशक आदि अधिकारी कर्मचारी उपस्थित रहे। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन द्वारा उद्घाटन कार्यक्रम देहरादून स्थित शासकीय स्कूल गांधी इंटरमीडिएट कॉलेज में आयोजित किया गया। बता दें कि उद्घाटन समारोह में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की निदेशक स्वाति एस भदौरिया ने अपने संबोधन में राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस के महत्व पर प्रकाश डाला और बच्चों के स्वास्थ्य की स्थिति सुधारने के लिए सरकारी योजनाओं और कार्यक्रमों का जिक्र किया। उन्होंने कृमि संक्रमण के दुष्प्रभावों को समझाते हुए सभी बच्चों को समय पर दवाइयां लेने और स्वच्छता की आदतों को अपनाने की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन स्वास्थ्य विभाग बच्चों और किशोर किशोरियों के स्वास्थ्य को सुधारने के लिए लगातार प्रतिबद्ध है। स्वास्थ्य विभाग का लक्ष्य बीमारियां, संक्रमण और मृत्यु दर को कम करने के लिए गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना है। बच्चों व किशोर किशोरियों के बेहतर स्वास्थ्य और पोषण के लिए स्वास्थ्य विभाग लगातार राष्ट्रीय कार्यक्रमों का संचालन भारत सरकार के सहयोग से करता आ रहा है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस एक अहम कदम है बच्चों की एक तंदुरुस्त पीढ़ी के निर्माण के लिए, जो शरीर और मन दोनों को स्वस्थ करने में मदद करता है। बच्चों, किशोर और किशोरियों में अनीमिया के स्तर को कम करने के लिए समस्त बच्चों को कृमि मुक्ति करना अति आवश्यक है। इस राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस कार्यक्रम का यही लक्ष्य है। बता दें कि राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस कार्यक्रम 8 वर्षों से सभी जनपदों में संचालित किया जा रहा है और इस बार राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस कार्यक्रम का 16वां चरण का आयोजन किया गया है, जिसमें 37.29 लाख बच्चों और किशोर किशोरियों को लगभग 23,000 निजी और सरकारी स्कूलों और 20,000 आंगनवाड़ी केंद्रों के माध्यम से कृमि नियंत्रण की दवा खिलाने का लक्ष्य रखा गया है।